हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और परिजनों की परेशानी को लेकर क्या कहा, उसे भी जरा गौर से सुनिए कि क्यों सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर हम पूछ रहे हैं। चलिए एक बार गुरुग्राम की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं परिजनों का दर्द, वो दर्द जो शब्द बनकर बयां हो रहा है। हम लोग तो परेशान है, प्रशासन से भी हम गुहार लगा चुके, ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अभी दाखिला नहीं ले रहे, गेट से ही वापस कर रहे, साफ मना कर रहे जी एडमिशन लेने से। कहते हैं जी स्टे ऑर्डर है हमारा, तो हम तो एडमिशन नहीं करेंगे। सुना आपने परिजनों का दर्द, लेकिन अब इस मसले पर जब हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी जरा गौर से सुनिएगा। जहां लगातार 134A के तहत अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और खबर फास्ट लगातार जनहित की खबर उठाता रहा है, और इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम अवतार शर्मा हमारे साथ में हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है कि जितने भी हरियाणा में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, यानी आपको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो अभिभावक हैं जो प्राइवेट स्कूल में चक्कर काट काटे थक चुके हैं और जो उनकी मनमानी है वो सामने आ रही है? देखिए सूरज जी, पिछले 6 साल से प्राइवेट स्कूलों ने, हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों ने, चाहे वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो CBSE से संबंधित हो, चाहे ICSE बोर्ड से संबंधित हो, पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से 134A में इन बच्चों को पढ़ाया है, इनका एडमिशन किया है, परंतु सरकार कहीं ना कहीं अपनी बात पे नहीं रही। आज जो ये माहौल बना हुआ है, इसकी जिम्मेवार पूरी तरह से हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा की सरकार है, क्योंकि 134A में जो 6 साल पहले पैसे का निर्धारण हुआ था, भाई गांव में 400 रुपये, शहर में 500 रुपये, तो वो रिफंड इनको करना था, वो पैसा इनको देना था। इन्होंने ये कहा था कि आप अपनी डिमांड भेजें, हम लगातार 4 साल से 5 साल से हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो पैसा है वो इनका रिलीज किया जाए, परंतु सरकार ने वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज कोरोना काल के बाद ये स्कूल खुले हैं, तो कोरोना काल में सारी व्यवस्था हमारी भी खराब हुई है, बच्चों की फीस नहीं आई, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। आपकी खराब हुई है, क्या उन बच्चों का क्या कसूर जो आपके जो बीच में पिस गए हैं? आपकी सरकार से बातचीत हुई है, अच्छे मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, वहां पर क्या फैसला हुआ आपका? देखो 134A के पैसे हमारे दूसरी कक्षा से 8वीं तक के करोड़ों रुपया पेंडिंग है हरियाणा सरकार में, वो पैसा सरकार रिलीज कर दे, हम बच्चों का दाखिला कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 9 से +2 के जो बच्चे 6 साल से हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, उनके पैसे का निर्धारण नहीं हुआ, अभी अधिकारियों ने उसका पैसा फिक्स नहीं किया है कि आपको 9 से +2 के बच्चों की पर मंथ हम कितने पैसे देंगे, उनका निर्धारण करके और वो पैसा हमारा 6 साल का प्राइवेट स्कूलों को सरकार दे, ताकि इन बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसका मतलब सरकार अगर आपके पैसे नहीं देगी तो इसका मतलब आप 134A में जो बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या उनका जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जो हरियाणा प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूलों के वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम अवतार शर्मा, उन्होंने ये जाहिर कर दिया और ये अपील भी की है, और ये कि जो पेरेंट्स हैं वो धैर्य रखें, किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, यानी 134A में जितने भी बच्चे आते हैं उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल होगा। देखना होगा कहां तक प्राइवेट स्कूल जो सरकार के और बीच में जो बातें हैं उनका समझौता होता है, क्या जो बच्चे जो ये गुहार लगा रहे हैं, जो गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे 134A में आते हैं और हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो, ये देखना होगा क्या उनके बच्चों का एडमिशन मिलेगा या नहीं। कैमरामैन नैन्सी के साथ मैं सूरजवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। अब चलते हैं फतेहाबाद की तरफ, यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता और कैमरे के सामने गूंजते शब्दों के बाद प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी